आज हम लोग यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर के शरीर के गुजरने का दुख मनाने आए हैं। साइंटोलॉजी। हेलो एक्स वाइफ। हेलो एक्स हस्बैंड। बोलो। हमें शायद शादी के प्लान भी बनाने हैं। अपने दोस्त को खोना तो बुरा था ही, मगर उसके झमेले संभालना और भी बहुत मुश्किल है। उसने ऐसा किया है? हाँ, उसने मुझे अपने पैसे और प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूटर बनाया है। $1 करोड़? एक मिनट, ये सब मुझे सीधे क्यों नहीं मिला? उसमें भी उसकी कुछ करामत है। मार्टिन पर आपको यकीन नहीं है? तुम रूल्स के खिलाफ कोर्ट में गए तो सारे पैसे चैरिटी में चले जाएंगे। क्या है? मुझे पता है आप अंदर हैं। दरवाजा खोलो। $1 करोड़ की जगह 50 लाख बताओ। मैं वकील लेकर आई हूँ। तो मुझे मेरे पति से ये बात छिपा कर रखनी होगी। सैंडी, मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। हाय सैंडी, मैं एक फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहा हूँ और मुझे एक नया चेहरा चाहिए जो इतना भी नया ना हो। तुम्हें ऐसे आदमी से प्यार हुआ है जिसका सबसे अच्छा वक्त गुजर चुका है। अरे यार, मैं ठीक हूँ। पहले मैं लड़कियों को घर लाऊंगा, फिर वो मुझे अस्पताल ले जाएंगे। तुम एक अच्छे एक्टर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक अच्छे टीचर भी हो। तो तुम्हारे हिसाब से क्या कोई एक फ्लॉप एक्टर ज्यादा अच्छी तरह सिखा सकता है? मैं एक्साइटेड हूँ, साथ साथ थोड़ा सा डरा हुआ भी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मैं उस किरदार को ठीक से निभा ना सकूं। सैंडी, मैंने तुम्हें कभी एक अच्छा इंसान नहीं समझा, पर तुम एक लायक और काबिल एक्टर हो। ऑलराइट, चलो क्लास शुरू करते हैं। सॉरी डैड, लेकिन मार्टिन मेरे लिए पैसों से ज्यादा जरूरी है। कुछ वक्त रुक जाओ, फिर ये जरूरी नहीं रहेगा। मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? पर जब मैं बच्चा था, मेरा सपना एक एक्टिंग कोच बनना नहीं था, मेरा सपना एक एक्टर बनने का था। तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? देखो सैंडी स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें कभी भी भुला नहीं पाई। वाकई नहीं, मैं तुम्हारी ले रही थी।